क्या हो अगर आप फैमिली ट्रिप पे जाओ और किसी ऐसी सुनसान जगह पे फंस जाओ जहां आदमखोर इंसान रहते हो। सोचकर ही डर लग रहा है ना। वेल, आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, तो पूरा माजरा जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए। और चैनल पे नए हैं तो ज़्यादा सोचिए मत, हमारे चैनल मूवीज गाइड हिंदी को अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियोज अपलोड होती है। तो फिल्म के शुरुआत में हमें पता चलता है कि 1945 और 1962 में यूनाइटेड स्टेट ने मैक्सिको में 331 न्यूक्लियर टेस्ट किए थे। टेस्टिंग साइट के आसपास के लोगों पर रेडियो एक्टिव का बुरा प्रभाव पड़ा था, जिससे यहाँ के लोग म्यूटेंट बन गए थे और इनके बच्चे डिफॉर्म पैदा होने लगे थे। इसके बाद सेन मैक्सिको डिजर्ट के एक पुराने से गैस स्टेशन पर शिफ्ट होती है। गैस अटेंडेंट एक गन लेकर अपनी बेटी रूबी को ढूंढ रहा था, पर वो नहीं मिलती है। जब वो अपने दरवाजे के पास एक बैग रखा हुआ देखता है तो गुस्से में आग बबूला हो जाता है। दरअसल उस बैग में कई सारी ज्वेलरीज और एक बॉक्स में एक लेडी का कटा हुआ कान था, जिसमें कई सारे इयररिंग्स भी थे। दरअसल गैस अटेंडेंट म्यूटेंट से मिला हुआ था। जब भी कोई आदमी गैस भरवाने के लिए यहाँ आता था तो वो उन्हें म्यूटेंट्स के हवाले कर देता था, और बदले में म्यूटेंट्स उसे विक्टिम्स के सामान दे दिया करते थे। पर अब गैस अटेंडेंट ये काम छोड़ना चाह रहा था। अगले सीन में बॉब अपनी फैमिली के साथ गैस भरवाने के लिए इसी गैस स्टेशन पर रुकता है। बॉब के साथ उसकी वाइफ एथल, बेटा बॉबी और बेटी ब्रेंडा थे। वहीं बॉब की गाड़ी से अटैच ट्रेलर होम में बॉब की बड़ी बेटी लिन और लिन का हस्बैंड डग था, और इन दोनों की छोटी सी प्यारी सी बेटी कैथरीन भी थी। बॉब गैस भरवाता है और बातों ही बातों में वो गैस अटेंडेंट को बता देता है कि मैं 25th मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए अपनी फैमिली के साथ सैन डियागो जा रहा हूँ। मुझे हमेशा से अपने फैमिली के साथ रोड ट्रिप पे जाना था, और आज वो दिन आ चुका है। ये सब जानने के बाद गैस अटेंडेंट इन्हें एक शॉर्टकट रास्ता बताता है, और ये उसी रास्ते में आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ 8 मील दूर जाने के बाद म्यूटेंट्स स्पाइक की मदद से बॉब की कार का टायर पंचर कर देते हैं, जिससे इनकी कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है। डग जैसे ही ट्रेलर होम से बाहर निकलता है तो उसके दोनों डॉग, जिनका नाम ब्यूटी एंड बीस्ट था, वो भाग जाते हैं। पर किसी का भी ध्यान डॉग पे नहीं जाता है, क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स की केयर करने में बिजी थे। कार खराब होने के अलावा बाकी सब कुछ ठीक था। इसके बाद बॉबी का ध्यान अपने डॉग्स पे जाता है, तो वो उन्हें पकड़ कर वापस ले आता है। वहीं ब्रेंडा नोटिस करती है कि दूर दूर तक डिजर्ट के अलावा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। डग नोटिस करता है कि फोन में नेटवर्क नहीं है, तो वो कॉल करके किसी से मदद भी नहीं मांग सकता है। वैसे भी डग इस डिजर्ट ट्रिप के लिए राजी नहीं था। वो तो अपनी वाइफ लिन के जिद करने पे यहाँ आया था, और अब उसे काफी अफसोस हो रहा था। दरअसल बॉब रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर है, इसलिए उसके पास ढेर सारे लाइसेंस वाले गन हैं। वो एक गन बॉबी को दे देता है और एक खुद के पास रखता है। इसके बाद बॉब फैसला करता है कि मैं वापस गैस स्टेशन जाऊंगा और गैस अटेंडेंट के फोन से टो ट्रक का इंतजाम करूंगा, और डग तुम आगे जाकर मदद ढूंढने की कोशिश करोगे, और बॉबी तुम अपनी मॉम और सिस्टर के साथ यहीं रहोगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि बायनोक्यूलर से म्यूटेंट्स इन पे नजर रख रहे हैं। डग और बॉब के जाने के बाद एक बार फिर से इनकी डॉग ब्यूटी भाग जाती है। बॉबी ब्यूटी को वापस लाने के लिए जाता है। पहाड़ी पे उसे किसी और की होने का एहसास होता है। बॉबी हाथ में पत्थर लेकर इधर उधर देखने लगता है। कुछ दूरी पे उसे ब्यूटी की लाश दिखाई देती है, जिससे बॉबी इमोशनल होकर रोने लगता है। पास जाने पे वो देखता है कि किसी ने ब्यूटी के सारे ऑर्गन्स निकाल लिए हैं। इससे बॉबी डर कर भागने लगता है। इस दौरान बॉबी एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। बॉबी के पास रूबी आती है। रूबी भी एक म्यूटेंट थी, पर उसमें अभी भी इंसानियत बाकी थी। वो बॉबी को अपने भाई से बचाती है, जो चट्टान पर बैठा ब्यूटी की टंगड़ी कवार रहा था। यानी ब्यूटी को रूबी के भाई ने ही मारा था। और क्या अब अगली बारी बॉबी की है, ये हमें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। दूसरी ओर डग चलते चलते 5 मील दूर आ जाता है, जहाँ रोड खत्म हो जाती है। पास में ही उसे डंपिंग दिखाई देती है, जिसमें ढेर सारी खराब गाड़ियां पड़ी हुई थी।
और कुछ गाड़ियों पे खून के निशान भी थे। पर ये बुद्धू उसे देखने के बजाय गाड़ियों में रखी टॉयज देखने लगता है। अगले सीन में अंधेरा हो चुका था और बॉब आवाज लगाते हुए गैस स्टेशन के अंदर जाता है। गैस अटेंडेंट घर पे नहीं था। बॉब टेलीफोन यूज करना चाहता है पर वो भी डेड था। इसके बाद बॉब को वो बैग मिल जाती है जिसमें ढेर सारी ज्वेलरीज और कटे हुए कान थे। ये देखकर बॉब समझ जाता है कि गैस अटेंडेंट झूलबाज आदमी है। वो अपनी गन निकाल लेता है। उसे रूम में कई सारी न्यूज आर्टिकल्स दिखाई देती हैं, जिससे बॉब को पता चलता है कि सरकार यहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग करना चाहती थी पर माइनिंग करने वालों ने ये जगह छोड़ने से इनकार कर दिया। वो माइंस के अंदर ही छिप गए थे। न्यूक्लियर रेडिएशन का असर उन पर हुआ और उनके बच्चे अब नॉर्मल होने लगे और इसके बाद ये जगह बरमुंडा ट्रायंगल की तरह खतरनाक बन गई, क्योंकि इस रास्ते से गुजरने वाले लोग अचानक गायब हो जाते थे। सच्चाई जानने के बाद बॉब यहाँ से जाने लगता है, तभी उसे गैस अटेंडेंट की आवाज़ सुनाई देती है जो शराब के नशे में खुद से ही बातें कर रहा था। दरअसल वो म्यूटेंट्स का साथ नहीं देना चाहता था, इसलिए वो बॉब के सामने खुद को शूट करके मार डालता है और इसके बाद कुछ म्यूटेंट्स बॉब पे जानलेवा हमला करते हैं। इधर ब्रेंडा बॉबी को ढूंढ रही होती है। रूबी बॉबी की रखवाली कर रही थी पर जब उसे ब्रेंडा की आवाज़ सुनाई देती है तो वो भाग जाती है। ब्रेंडा बॉबी को लेकर वापस आ जाती है। होश में आने के बाद भी बॉबी ब्यूटी की मौत के बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताता है। बाहर से जब कुछ अजीब सी आवाज़ सुनाई देती है तो बॉबी अपनी मॉम और सिस्टर्स को अंदर रहने को कहता है और खुद गन लेकर बाहर चेक करने जाता है। वो देखता है कि उसका डॉग बिस्ट भी अब गायब हो चुका है और पीछे से उसे किसी के आने की आहट सुनाई देती है। बॉबी तुरंत गन पॉइंट कर देता है। फिर वो देखता है कि ये तो डग है। डग की आवाज़ सुनकर लिन भी बाहर आ जाती है और उसे सही सलामत देखकर राहत की सांस लेती है। डग अपना एक्सपीरियंस बताता है। उसने जो कुछ भी देखा उसे वो सब कुछ नॉर्मल ही लग रहा था, पर बॉब कहीं ना कहीं समझ गया था कि यहाँ खतरा है, पर वो अपनी फैमिली को सच्चाई बताकर डराना नहीं चाहता था। आधी रात में बॉबी को अपने डॉग बिस्ट की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है और वो उसे ढूंढते हुए दूर चला जाता है। इधर ट्रेलर होम में एक म्यूटेंट घुस आता है। सोती हुई ब्रेंडा को देखकर उसकी नींद खराब हो जाती है। वो उसे छूने लगता है। वहीं बॉबी कुछ म्यूटेंट्स को देख लेता है, इसलिए वो जल्दी से जाकर लिन और डग को इस बारे में बताता है। इसी वक्त ब्रेंडा चिल्लाने की कोशिश करती है तो वो म्यूटेंट वॉकी टॉकी से अपने साथियों को अलर्ट कर देता है। वो लोग कुछ दूरी पे बॉब को बांध कर जला देते हैं। आग देखकर पूरा परिवार बॉब के पास चला जाता है और आग बुझाने की हर मुमकिन कोशिश में जुट जाता है। इधर म्यूटेंट ब्रेंडा की इज्जत लूट रहा था और तभी एक और म्यूटेंट आ जाता है। वो पहले म्यूटेंट को भगाकर खुद ब्रेंडा को सेक्सुअली असॉल्ट करता है। ब्रेंडा काफी छटपटाती है और आवाज करती है, जिससे लिन और डग की बेटी कैथरीन जाग जाती है। वो रोने लगती है। लिन को कैथरीन के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो ट्रेलर में आती है तो देखती है कि एक म्यूटेंट ने कैथरीन को गोद में लिया हुआ है और दूसरे ने ब्रेंडा को दबोच रखा है। एक म्यूटेंट कैथरीन को गन पॉइंट पे लेता है और उसके जान बकसने के बदले में लिन का जिस्म पाना चाहता है। उधर बॉब जल के खाक हो चुका था। ईथल को कुछ गड़बड़ी का एहसास होता है। वो एक पत्थर लेकर ट्रेलर के अंदर आती है तो देखती है कि म्यूटेंट लिन का मिल्क कंज्यूम कर रहा है। ईथल पत्थर से उस पर हमला कर पाती, उससे पहले ही म्यूटेंट शूट करके ईथल को मार डालता है। गोली चलने की आवाज़ सुनकर डग और बॉबी दोनों ट्रेलर की ओर दौड़ते हैं। इधर लिन म्यूटेंट पे फिर से हमला करती है तो वो गोली से लिन का भेजा उड़ा देता है। फिर वो ब्रेंडा और कैथरीन को अपने साथ ले जाने लगता है। तभी बॉबी गोली चलाने लगता है तो वो ब्रेंडा को वहीं छोड़कर भाग जाते हैं, पर वो कैथरीन को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो गए थे। लिन और एथल की मौत से डग और बॉबी को बहुत बड़ा सदमा लगता है। ये अब म्यूटेंट से बदला लेना चाहते हैं। वहीं पहाड़ी पे जो म्यूटेंट बॉबी की फैमिली पे नजर रख रहा था, बॉबी का डॉग बिस्ट उसे मार डालता है। अगली सुबह डग पूरे इंतजाम के साथ बिस्ट को फॉलो करते हुए म्यूटेंट के गाँव पहुँच जाता है। उसे एक घर में अपनी बेटी दिख जाती है। वो चुपके से अंदर जाता है। अंदर एक म्यूटेंट टीवी देख रहा था। डग उसकी नज़रों से बचते हुए अपनी बेटी को उठाकर भागने ही वाला था कि म्यूटेंट उस पर हमला कर देता है। वो डग को एक बड़े से फ्रीज में बंद कर देता है।
जहां और भी कई सारी लाशें रखी हुई थी। दरअसल ये म्यूटेंट्स आदमखोर थे, पर खुशनसीबी से डग फ्रेजर का डोर तोड़कर बाहर निकल जाता है। उसे एक और म्यूटेंट दिखता है जो कि अपाहिज था। डग उसे धमकाते हुए अपनी बेटी के बारे में पूछता है, तब वो म्यूटेंट मुद्दे की बात करने के बजाय दुनिया भर का ज्ञान देने लगता है कि आज हम जो हैं वो तुम लोगों के वजह से हैं। सरकार ने यहाँ न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था जिससे हमारी ये हालत हुई और फिर हमें यहीं मरने के लिए छोड़ दिया, पर हमने सरवाइव किया। इसी वक्त एक और म्यूटेंट एक्स लेकर डग के पीछे पड़ जाता है। वो डग को उठा उठा कर पटकने लगता है। वो डग को बुरी तरह से जख्मी कर देता है। फिर एक ऐसा मौका आता है जब म्यूटेंट एक्स से उसे मारने वाला था और डग एक छोटी से पेचकस से उसे डराता है, जिससे म्यूटेंट हंसने लगता है। पर तभी डग वो पेचकस उसके पैर में घुसा देता है और फिर एक फ्लैग को उसके गले के आर पार कर देता है, जिससे उस म्यूटेंट की मौत हो जाती है। फिर वो कुल्हाड़ी लेकर बाहर निकलता है और जो भी म्यूटेंट उसके रास्ते में आता है डग उसे मार डालता है। बॉबी ने अपाहिज म्यूटेंट को छोड़ दिया था, पर वो वॉकी टॉकी से अपने साथियों को कहता है कि डग की बेटी को मार दो। ये बात डॉग सुन लेता है। वो गुस्से में अपाहिज म्यूटेंट को मार डालता है। इसके बाद कैथरीन को दिखाया जाता है जिसकी देखभाल रूबी कर रही थी। जब एक म्यूटेंट कैथरीन को मारने आता है तो रूबी कैथरीन को लेकर भाग जाती है। इसके बाद एक म्यूटेंट ट्रेलर होम का दरवाजा खोलता है और बॉबी के ट्रैप में फंस जाता है, जिससे ट्रेलर ब्लास्ट कर जाती है और वो म्यूटेंट मारा जाता है, जबकि बॉबी और ब्रेंडा दूर चट्टान के पीछे छिपे हुए थे। अगले सीन में डग रूबी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक म्यूटेंट डग पे हमला कर देता है। ये देखकर रूबी वहां से भागने लगती है और वो म्यूटेंट उसका पीछा करता है। तब डग गोलियों से उस म्यूटेंट को छलनी कर देता है। इसके बाद डग अपनी बेटी को हासिल कर लेता है, पर इसके बाद भी उस म्यूटेंट को शांति नहीं मिलती है। वो दोबारा डग पे हमला करने वाला था। ये चीज रूबी देख लेती है। वो उसे रोकने जाती है और इसी कोशिश में बेचारी रूबी उस म्यूटेंट के साथ पहाड़ी से नीचे गिर जाती है, जिससे वो दोनों मारे जाते हैं। और इसके बाद डग कैथरीन और बेस्ट के साथ बॉबी और ब्रेंडा के पास आ जाता है। ये लोग भी सुकून की सांस लेना शुरू ही करते हैं और हम बाइनोक्यूलर से एक म्यूटेंट को इन पे नजर रखते हुए देखते हैं, यानी कि ये अभी भी सेफ नहीं थे। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।